कई बार हमारे सामने ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जो कि देखा जाता है, कई बार कई माओं ने ऐसे बच्चों को जन्मा है जो अड़ोस पड़ोस में भी बल्कि मुल्क के अंदर एक चर्चा का विषय बन जाती हैं। ऐसा ही एक बच्चा दरियापुर के अंदर जन्मा गया है। जो बच्चा है उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, अभी समझने की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे के शॉर्ट्स हैं, वीडियो हैं, हम आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद कदीम। कदीम साहब ये बताइए, अभी बच्चा जो हुआ ये कब हुआ है आपका? ये परसों हुआ था, करीब 6:30 बजे। करीब 6:30 बजे करीब बच्चा हुआ है। और जो बच्चे का टाइम था वो पूरे टाइम पर हुआ था? जी वो टाइम पूरा था। ये बताइए घर पर हुआ या फिर अस्पताल में? जी घर पर हुआ, नॉर्मल बिल्कुल। अच्छा, दाई आई थी? जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने देखकर कहा बच्चे को कि भाई ऐसे जब बच्चे होते हैं पैदा, कई बार ऐसा हो जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई बच्चे के अंदर कमी होने के कारण वो ज़्यादा नहीं जी पाएगा, इस किस्म की कोई बात बताई? जी कुछ नहीं बताई। अभी कुछ नहीं बताई? नहीं कुछ नहीं बताई दाई ने। अच्छा, तो फिलहाल जो है आपका बच्चा घर पर ही हुआ है? हाँ जी घर पर ही हुआ था। अच्छा, डॉक्टर्स को दिखाने की कोशिश करी या मशवरा किया किसी से? डॉक्टर को दिखाया ना, उसमें कुछ आया ना तो क्या दिखाते, अभी किसी से दिखाया नहीं। अच्छा ये बताइए, बच्चा दूध वूध पीता है आराम से? दूध सब कुछ पीता, लेटरिन बाथरूम से कर रहा है। रोता भी है? जी रोता भी है। अच्छा, आँखों पर मतलब उसके पास थोड़ा ये है कि देख नहीं पाता शायद? आँखों आँख नहीं, हाथ पैर भी नहीं है, कान भी नहीं है। कान भी नहीं? जी कुछ नहीं। आप फिलहाल कुछ कहना चाहेंगे? जी हम क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं। चलिए, हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ये बात करना चाह रहे थे। जी क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जमील है। जमील साहब आपके कौन है ये? ये हमारा लड़का, वो लड़का पोता हमारा जो हुआ। अच्छा, वो पोते हैं? वो पोता। अच्छा, क्या कहना चाह रहे थे आपके ये पोता हुआ है तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? जिस टाइम ये पोता हमारा हुआ था तो हमें इतनी खुशी थी कि इतनी खुशी कि हम फूले न समा रहे। जब हम यहाँ लेट हुए तो दाई ने कही कि ऐसे ऐसे बच्चा है, उसका तो मुँह फटा हुआ है और उसके आँख भी नहीं है और उसके हाथ पैरों की उंगलियाँ भी ना हैं, तो हमारा दिल वहीं का वहीं मुरझाया सा हो गया। तो अब हमने तो अंदर जाके नहीं देखा तो वो बात ऐसी हकीकत ही निकली कि जो दाई ने बताया। फिर दाई ने हम आगे को उसने कोई सवाल ही ना बताया कि इसे डॉक्टर के ले जाओ या कहीं भी ले जाओ। फिर हमने अपने दिल में भी सोचा तो फिर हम बोले माने कि तो अब इसे हम ले कहाँ जाएं जब इसमें कुछ है ही ना, अगर जो किसी वजह से जी भी गया तो इसके आँख भी नहीं है, इसके उंगलियों के हाथ भी उंगलियाँ भी ना है उसमें पंजों में, और पैरों में भी ना उंगलियाँ, कान भी नहीं है, आँख भी नहीं है और नाक भी ना इसके, तो इससे बेहतर है कि भैया अब तुम इसमें ये दुआ करियो कि अल्लाह ताला इसकी बस मट्टी अजीज कर ले। तो एक बार ऐसा जैसे पड़ोस में किसी ने सलाह दी होगी कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, कोशिश कर लेते? ऐसी कोई सलाह हमें किसी ने ना दी। अब फिलहाल जो क्या कहना चाह रहे हैं दुआ के लिए कहना चाह रहे हैं? भाई ये है कि अब जब ये किसी मतलब का ही ना है, अब आगे को किसी वजह से जी भी गया तो इसके दिमाग की कोई पता नहीं कि कैसा दिमाग, मुंह फटा हुआ है इसका, इसके होंठ भी नहीं है, बदन पे भी फटा फटा सगला ऐसा है कि जैसे किसी ने चक्कुओं से काट दिया हो पूरे जिस्म पे, वो खाल सी जम रही है तो उसके पत्थर सी बन रही है, जैसे सीमेंट जैसे पलस्तर कर दें, उसके हाथ पैरों पे पूरे जिस्म पे ऐसा ही हो रहा, चक्कू की तरह कटा हुआ सा हो रहा उसका सब निशान। और वो इतना भी ना कि जैसे गोद में भी ले के नहीं कहीं को दिखा ले भला लें, वह ऐसे ही आरा गंडल रहा था। माँ माँ जब माँ ने जब देखा तो कुछ कहा था उन्होंने? ना माँ ने तो कुछ ना कहा उसने, माँ ने ऐसा कुछ ना कहा, कुछ नहीं बोला। माँ के दिल पे उदासी तो ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं बोला उसने बेचारी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इससे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं जब बच्चा पैदा होता है घर के अंदर तो बहुत सी आस, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं उस बच्चे से जुड़ी हुई। अगर बात करें दादा की तो दादाओं की भी बहुत सी ख्वाहिशें जुड़ी हुई होती हैं, माता पिता की भी बहुत सी ख्वाहिशें जुड़ी होती हैं, लेकिन ये बच्चा जो हुआ है कहीं ना कहीं चेहरे पर मायूसी सभी लोगों के लिए देखी जा रही है, जिसके बाद इन्होंने दुआ के लिए भी हमारे चैनल के माध्यम से कहा है। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं आया खान, टाइम 24 न्यूज बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।